आपको सलाम करता हूँ, उलमाए आलाम आगे खुमैनी के एक मकाम है जो सबको मालूम है। परसों मुझसे सवाल किया जा रहा था, मुसाफा हो रहा था तेहरान में, टीवी वालों ने सवाल किया आप उनके बारे में कोई और मजीद कहें, मैंने कहा इससे आजाद है कि मुझे सबक उनकी तारीफ कर, वो मेरी तारीफ के मोहताज नहीं है, दुनिया उनको जानती है, वो हमारे लिए बजे पहचान है, हम उनके लिए जरिए मोर भी नहीं है। वादे कर देना चाहता हूँ जो बातें मेरी तरह मटूब भी जाती हैं वो 16 आने गलत आए, कोई कहते खुमैनी जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ किताबें लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं जब इनके खिलाफ आया तो लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं, वो किताबें कहाँ जो मैं लिख रहा था, वो किसने कहा जो मैंने तकरीरें की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न किसी से तमन्ना है न कोई सिले की न सताइश की। ईरान की हुकूमत जब रोज इनकलाब से लेकर आज तक कैद करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह का मरकज ईमान समझना। अभी मैं इस्लामाबाद में 22 सफर से लेकर अपना 26 सफर तक मैंने 5 मिनट से पढ़ी है, रोजाना घंटा का मेजर पड़ता, आधे घंटे सवालों के जवाब देता था। अभी ताजा बात एक सवाल किया गया, आप इनकलाब ईरान को ईमानी इस्लामी समझते हैं, मैंने कहा अगर इनकलाब ईरान इस्लामी नहीं है तो फिर इस्लाम कैसे किसको है। इनाम हासिल करने वो बेशक पढ़े कि मैं ज्यादा मानता हूँ, देखो कह मैं ज्यादा मानता हूँ, मैं अपना फरीजा समझ के मैं इसको मरकज ईमान जानता हूँ। पूरे वर्ल्ड में पूरे आलम एक हमारी हुकूमत है जहाँ अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ा जाता है, तो लिहाजा हम दिलो जान से दुआ करते उसके बानी के लिए भी, उनके चलाने वालों के लिए भी, आप सब हजरात के लिए भी, खुदा इसको दायम रखे ताकि ये अमानत इमाम जमाना के हवाले कर।